वेलकम टू माई क्लास। टुडे योर टॉपिक स्टार्ट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहले आप बेसिक नॉलेज देख लीजिए, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे कंपोनेंट्स सारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंगेबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल हुआ इनपुट डिवाइसेस सारी, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सारी कैसे होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें टच भी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट के सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, डेट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और यू क्या करते हैं, ऑपरेशंस ऑपरेशन को गवर्न करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और हार्डवेयर को रन कराते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे कैसे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मेयर अ मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इटसेल्फ, रेदर इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग इट परफॉर्म्स। ये एक तरीके की मशीन होती है, इसे अपने आप कुछ नहीं पता होता है, इसे अपने आने में कुछ नहीं पता होता है, बस इसे क्या होता है, जो करना होता है उसके लिए क्या देने पड़ते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। जो हमें काम कराना है वो उसको क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और ये काम कराता रहता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड इट थ्रू अ सॉफ्टवेयर, ये इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कराए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, जैसे रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ट्रांसमिटिंग प्रोसीड इन्फॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, कन्वर्टिंग डेटा इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये सारे काम जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस के, कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन किसी को काम कराने के देता है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, लैंग्वेज प्रोसेसर हुए, कंपाइलर हुआ, डीबगर हुआ, असेंबलर हुआ, आपका इंटरप्रेटर हुआ, ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, विंडो 7 हुआ, विंडो 8 हुआ, ये सारे क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, क्या मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ बीच में, इसे ओपी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, और यहाँ पे वह है यूज़र, और ये है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस मतलब ये बीच में प्रेजेंट होता है, मिडल में बैठा रहता है, बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर अगर कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, या कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कौन कराएगा, हैंडल कौन करेगा, मैनेज करने का काम कौन करेगा, यहाँ बैठा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यूज़र किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन एसेस करना चाहते हैं, तो वो किसकी मदद से कर पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी पूरी पूरी मदद करेगा। तो यूज़र विथआउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए हम कह सकते हैं यूज़र को आसान नहीं प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी कैन से डैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ यूज़र फ्रेंडली, सकते हैं ना कि जो हमारी मदद करता है वो फ्रेंड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ यूजर की मदद करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एसेस करने के लिए, यूज करने के लिए। तो वी कैन से डेट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ यूजर फ्रेंडली। ठीक है, ओके। तो अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या क्या होता है, सारे कंट्रोल करना, ऑपरेशन जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हुआ हार्डवेयर को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, मेमोरी का मैनेजमेंट कराना, प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखिए जैसे द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज थर्स टू मेक
the computer system convenient to use and secondary goal is to use computer hardware in the efficient manner. मैंने आपको बताया कि computer system को कितने अच्छे से conveniently use कर सके user, वो किसके किसके द्वारा कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. और सेकेंडरी गोल क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितनी कंप्यूटर हार्डवेयर को कितनी अच्छे इफिशियंट मैनर से यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी किसके द्वारा कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. के जितने भी कंपोनेंट्स आपने पढ़े, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ALU, CU, ये सारे कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज करने का काम किसके पास रहता है, सिर्फ कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है, जैसे आपको कंपोनेंट्स पता है कौन से, हार्डवेयर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रो कंपाइलर्स, लिंकर्स, ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और ह्यूमनवेयर में यूजर, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के. इनमें से मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आप देख लीजिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है हमारी भी डेली लाइफ में. जैसे एग्जांपल हुआ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा है जो साइंटिफिक पर्पस में, जो आपकी हुआ साइंटिफिक एरिया में या मौसम विभाग के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब वहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो आप परफेक्टली जो समय है उसी समय में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. अब मान लो कल का आज का समय चाहिए, समय मतलब आज का मौसम जानना है, तो कल आज के मौसम की जानकारी वो कल देगा तो कोई मतलब का है नहीं. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो विथआउट डिले इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पे प्रोवाइड करें, वो कैसे कहलाते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मैंने आपको बताया. इसके बाद देखिए आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पहले आप एक बार ये भी देख लीजिए, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर जो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, सैम्बलर हुआ, ये तीन जो इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बताती हूँ काम क्या होता है. तो आप सबको पता है कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है प्रेजेंट जो जिसका काम क्या होता है, हमारे जितने भी प्रोग्रामर हैं जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो कैसी लिख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हुआ जावा हुआ, पाइथन हुआ, C++ हुआ, सी हुआ, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लिख क्यों, जैसे मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख सकते, क्या लिखना पॉसिबल है मशीन लैंग्वेज में, बहुत डिफिकल्ट होता है. 0-1 फॉर्म में इतने बड़े प्रोग्राम्स बनेंगे, चार चार लाइन के प्रोग्राम 0-1 फॉर्म में अगर हम मशीन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो एक ही प्रोग्राम बनाने में हमें यानी कितना समय लग जाएगा. इसलिए हमारी लैंग्वेज डेवलप की गई है प्रोग्रामर्स के द्वारा, हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन अब वो हाई लेवल लैंग्वेज हम कंप्यूटर में फीडिंग कराते हैं, उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो उसे नहीं समझ सकता ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है. तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, जो कि कंप्यूटर समझ सके, मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, तो कंपाइलर इज ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या काम करता है कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप की गई हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में. क्यों कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ क्या जानता है, आपकी मशीन लेवल की लैंग्वेज जानता है. ठीक है, तो एक कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज. ठीक है, अब दूसरा हुआ इंटरप्रेटर. तो भाई इंटरप्रेटर का भी काम यही होता है कि इसका काम भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना. तो डिफरेंस क्या हुआ इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, देखिए तो जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ज़्यादातर मोस्टली पूछा ही जाता है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एकमात्र ये डिफरेंस रहता है कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे एक बार में पूरा हाई लेवल प्रोग्राम जो आपने बनाया है उसको एक बार में पूरा उठाएगा और पूरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. मतलब इन पूरा सिंगल यूनिट उठाता है और पूरा प्रोग्राम को उठा के कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में. लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, इंटरप्रेटर करेगा पहली लाइन उठाएगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा, फिर तीसरी लाइन उठाएगा, ऐसे जितनी प्रोग्राम की लाइन्स हैं उनको वन बाई वन उठाएगा और फिर वन लाइन को मशीन लैंग्वेज में करेगा, फिर दूसरी लाइन को मशीन लैंग्वेज में करेगा. तो इस तरीके से इंटरप्रेटर करेगा एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट लाइन बाई लाइन. क्या करेगा इंटरप्रेटर, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट लाइन बाई लाइन, और कंपाइलर एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम एट अ वन टाइम इनटू अ सिंगल यूनिट. क्लियर,
तो इंटरप्रेटर अगर स्लो इंटरप्रेटर वन लाइन बाय लाइन काम कर रहा है तो इट वी कैन से दैट द इंटरप्रेटर इज स्लोअर कंपेयर टू कंपाइलर. क्लियर. असेंबलर देखिए क्या होता है. तो असेंबलर का काम क्या होता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का है, वहीं पर असेंबलर का काम क्या होता है, एक असेंबली लैंग्वेजेस होती है. असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती हैं कि जो सिम्बॉलिक फॉर्म में होती हैं, जैसे सिम्बल्स पहले एक लैंग्वेज डेवलप की गई थी जो सिम्बल्स के फॉर्म में होती थी, जैसे उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज. तो ऐसी लैंग्वेज जो सिंबल्स के फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज. तो उस असेंबली लैंग्वेज को अगर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, अगर असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, असेंबलर की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है, असेंबलर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं क्लास के, हमें जैसे कोई पर्टिकुलर टास्क का परफॉर्म कराना हो, स्पेसिफिक एप्लीकेशन करवानी, कोई पर्टिकुलर एक यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कोई एक एप्लीकेशन मतलब बनानी है. जैसे मैंने कहा कि रेलवे रिजर्वेशन एक प्लेटफॉर्म, मतलब मैंने ऐप बना दिया है कि रेलवे रिजर्वेशन होता है, उसमें क्या होता है कि आप जाते हैं टिकट बुकिंग हो जाती है आपकी, रिजर्वेशन मिल जाता है आपको, आपको मतलब क्या बोलते हैं अर्जेंट में मिल जाता है, वेटिंग मिलता है. तो एक एप्लीकेशन है, उसका काम क्या है, उसका एकमात्र ये काम है कि आपको रेलवे से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रदान कर दी जाएंगी. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर की यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जा रहा हो, वो के पर्टिकुलर सिंगल टास्क को. तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन. जैसे आपका हुआ, आपने जैसे पावर पॉइंट बना लिया, तो पावर पॉइंट पे क्या करते हैं, आप स्लाइड बना सकते हैं, आप वहाँ पे क्या अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं. आपका एमएस वर्ड हुआ, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि क्या होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम उन्हें डेवलप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ख़त्म होता है, और कल आपकी जो लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का वो है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर डेट आपका मैं स्टार्ट करने जाऊंगी जो आपके सिलेबस में होगा, जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट.